स्टूडेंट्स, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकुलनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज कुछ ऐसे शब्दों की बात करेंगे हम जो आपने नहीं देखा होगा। एक या दो शब्द आपने शायद देखे होंगे, नहीं तो बाकी जितने भी शब्द है ना आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन हैं तो बड़े कमाल के, हैं तो बड़े ही कमाल के, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल साबित होंगे और आप अपनी भाषा को और ज्यादा बेहतर बनाओगे, आपकी भाषा और ज्यादा निखर जाएगी अगर आप स्पीकिंग करते हो तो, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो। अगर नहीं भी बोलते हो ना तो भी आप हिंदी भाषी हो, हम सब हिंदी भाषी हैं। और हिंदी भाषी लोगों को तो जानते हो आजकल मॉडर्न में कि सब लोग हिंदी में ही बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बहुत सारे शब्दों की जानकारी अगर हमें नहीं हो तो हम दूसरों की बातों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। जब हम न्यू मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज, तो आपने रियलाइज किया होगा, और आप रियलाइज क्या किया होगा, आप हर दिन करते रहते हो जब भी देखते हो कि कितने सारे अंग्रेजी के शब्द बोले जाते हैं। आपको जो हिंदी के शब्द बोले जाते हैं वो तो समझ आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं इंग्लिश के जो शायद आप नहीं समझ पाते हो। और मुझे ये बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप उन शब्दों को ना समझ पाओ, इसलिए मैं आपके लिए ले आता हूँ कुछ ऐसे शब्द जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं किताबों में या फिर कहीं और भी, लेकिन मैं आपको वैसे शब्द देता हूं ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को और ज्यादा इनहेंस कर सको और बेहतर बना सको। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो इंसानों के लिए यूज होने वाले शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंसानों के लिए यूज होते हैं, इंसानों का जो स्वभाव है, जो उनका नेचर है, जो उनका एटीट्यूड है, उन सब पे आधारित, उन सब पे बेसिस कुछ शब्द ले आया हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और उन सभी शब्दों को जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं और इतनी आसानी से आप इन शब्दों को ढूंढ नहीं पाओगे। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ऐसे शब्दों को ढूंढा है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखो कि कौन कौन से वो शब्द हैं जो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ले आया हूं। देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। पहला वर्ड आप यहां पे देख रहे हो, लिखा हुआ है AMENABLE। इसे आप क्या प्रोनाउंस करोगे? हम लोग ना क्या करेंगे ना, हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा सुधार लेंगे, उच्चारण जो है शब्दों का उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि किसी भी भाषा की सबसे अहम भाग, सबसे अहम हिस्सा अगर कुछ है तो वो उसका उच्चारण है, वो उसका प्रोनंसिएशन है। तो यहां पे लिखा हुआ है AMENABLE, इसे हम पढ़ते हैं एमिनेबल, एमिनेबल या एमिनेबल, दो तरीके से आप पढ़ सकते हो, एमिनेबल या एमिनेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं जो अपनी गलती मानकर सुधार कर ले। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि चोरी तो करते ही हैं, सीना चोरी भी करने लगते हैं, यानी खुद गलती करते हैं पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तुमको ऐसे नहीं बोला। वैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, वैसे लोगों की बात हो रही है जो अगर खुद से गलती करता है ना तो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है कि हाँ मैंने गलती करी है, और आने वाले जीवन में, आने वाली जिंदगी में फिर से वो व्यक्ति वैसी गलती नहीं करता। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऐसे ही लोग बहुत ही आगे चलकर महान बन पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि गलतियां करना पाप नहीं है लेकिन गलतियों को दोहराना पाप होता है। सो गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन वही गलती अगर हम अपनी जिंदगी में रिपीट करें, उसका दोहरावपन करें, यानी उसको हम दोहराएं, तो ये हमारा बहुत ही बड़ा पाप होगा। सो वैसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? एमिनेबल कहते हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके फिर से ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा ना करता हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रैगर्ट। स्पेलिंग फिर से मैं आपको बता दूं, उच्चारण फिर से बता दूं आपको, ब्रैगर्ट। अब स्पेलिंग सुन लो आप, BRAGGART, ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट का मतलब क्या होता है? फेंकू। हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में फेंकू कहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो बहुत झूठ बोलता हो, सिर्फ अपनी ही तारीफें करता रहता हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, इस तरीके से आपको पका देता है बोल बोलकर, और आप भी तंग आ जाते हो फेंकू लोगों से। तो बी अलर्ट है ना, ऑफ फेंकू लोग, है ना, कहने का मतलब फेंकू लोगों से अलर्ट रहें। तो फेंकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेंकू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैगर्ट। वैसे आप फेंकू के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बता रखी है, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो। तो ब्रैगर्ट मीन्स होता है फेंकू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा शार्लेंट। यहां पे लिखा हुआ है शार्लेंट, पर आपको शायद लगेगा कि चार्लेंट लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, यहां सीएच का मतलब च नहीं है, यहां सीएच का मतलब है श, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां सीएच से श होता है, वो लैटिन से लिए हुए शब्द होते हैं, जहां पर भी सीएच से श होता है, जैसे कि मशीन, जैसे कि शार्लेटन, जैसे कि शोफर, है ना, इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाते हैं। तो इसे आप पढ़ोगे शार्लेंट,
जिसका मतलब होता है मीठा बोलने वाला पर धोखेबाज, यानी वो व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करता हो, है ना, आपको अपने जाल में फंसा लेता हो, आप भी मोहित हो जाते हो, अरे क्या बात करता है यार, क्या बोलता है, कितना मीठा मधुर है उसका, लेकिन बाद में आपको पता चलता है अरे ये तो आस्तीन का सांप निकला, है ना। तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, वैसे लोगों को कहते हैं शार्लन, जो मीठी मीठी बातें करे लेकिन अंदर ही अंदर छल रखता हो। यानी वो कहावत कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, तो मुख में राम बगल में छुरी जैसे एटीट्यूड वाले लोग कहलाते हैं शार्लेट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट है गेरलस। ये आपने देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने देखा होगा गेरलस, GERULOUS, गेरलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, मतलब आप उससे बात करना शुरू कर दो ना तो फिर आपकी तो छुट्टी हो गई भाई, है ना। और वैसे लोगों से ना लोग बचकर रहना चाहते हैं, मैं तो और ज्यादा बचना चाहता हूं ज्यादा बोलने वालों से, अरे भाई मतलब की बात करो ना, ये आलतू फालतू की क्या बातें कर रहे हो। तो ज्यादा बोलने वाले को इंग्लिश में कहते हैं गेरलस। नेक्स्ट देखते हैं इनॉक्सियस, INOXIOUS, इनॉक्सियस। इनॉक्सियस का मतलब होता है सीधा साधा इंसान, यानी वो इंसान जो काफी सीधा साधा हो, जेंटलमैन हो, एकदम ईमानदार हो, भोला हो, मासूम हो, वैसे इंसान को आप कह सकते हो इनॉक्सियस। अब नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है ना, MACHIAVELIAM, है ना। ये क्या है, यहाँ पे CH का साउंड क जैसा है, ठीक है, तो आप च मत बोल देना, यहाँ पे क जैसा है, वहां पे CH से श था, यहाँ पे क है ना। इसका क्या कारण है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे क्लिनिक क्लासेस पे बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहती है, तो यहां मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बट इतना बता देता हूं कि यहां CH से क है। तो MACHIAVELIAN को हम कहेंगे इसे कहेंगे मैकियावेलियन। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। इसको हिंदी में कहते हैं पैसों के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर दे, अरे गलत क्या है, सही क्या है, जायज क्या है, नजायज क्या है, कुछ नहीं देखता हो, बस उसे तो भाई पैसा चाहिए, पैसों के लिए मर मिटने वाला इंसान क्या कहलाता है, मैं खुद डिस्टर्ब हो जा रहा हूं। MACHIAVELIAN क्या करे शब्द कुछ ऐसा है, मैकियावेलियन। ओके, नेक्स्ट वाले को देखते हैं SMARMY, चतुर व्यापारी। चतुर व्यापारी कहने का मतलब है वो बिजनेसमैन जो काफी एक्सपर्ट हो किसी भी चीज को सेल करने में, यानी वो कहते हैं ना कि सर्दियों का सामान गर्मियों में बेच दे और गर्मियों का सामान सर्दियों में बेच दे, वैसा व्यापारी, काफी चतुर व्यापारी, काफी एक्सपर्ट व्यापारी को हम क्या कहते हैं, SMARMY कहते हैं। और जो लोग भी इस दुनिया में SMARMY है ना, वो तो बहुत शोहरत कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, और यहां तक कि बहुत ये भी कमाते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट है XENOPHILE। यहां पर एक्स का मतलब एक्स जैसा साउंड नहीं है, बल्कि यहां पर एक्स का मतलब है ज, तो इसे क्या बोलोगे, जेनोफाइल। XENOPHILE, जेनोफाइल। जेनोफाइल के मतलब होता है जो विदेशों से बहुत प्यार करता हो, यानी वो व्यक्ति जिसको लंदन, पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सऊदी जैसे जो भी कंट्री है बहुत अच्छे लगते हो, भले वो गया हो या ना गया हो, लेकिन जाने का सपना रखता हो भाई, घूमने का सपना रखता हो कि काश एक बार विजिट करता, है ना। तो विदेशों से बहुत अधिक प्रेम रखने वाला इंसान कहलाता है जेनोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं YUCKY, ये यू है, ठीक है, YUCKY, यक्की। यक्की का मतलब होता है बदतमीज इंसान, वो इंसान जो आपके साथ बात ही बात में बदतमीजी कर दे, ना आओ देखे ना ताओ, आपको कुछ भी कह दे, तो वैसे इंसान से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, वैसे इंसान को कहते हैं यक्की। और अब हमारा सबसे अंतिम वर्ड जो है वो है zetetic, जिसको हिंदी में कहते हैं शकी व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो बिना किसी वजह aimlessly विदाउट एनी रीजन आप पे शक करता हो, है ना, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, zetetic कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके वोकैब को काफी मजबूत बना देंगे, आपकी भाषा में चार चांद लगा देंगे और फिर आपकी अंग्रेजी जहर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, शेयरिंग जरूर होना चाहिए भाई, हर वीडियो में कहता हूं शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान, क्या है दिक्कत, कर दो ना दान।